हेलो फ्रेंड्स, बीमा के क्षेत्र में ऑब्जेक्शन की सीरीज में आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने पार्ट वन में समझा था कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं जो कस्टमर करते हैं, तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे आगे कि ग्राहक की ना को हम कैसे हाँ में बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले ऑब्जेक्शन की बात करेंगे। कस्टमर का सबसे पहला ऑब्जेक्शन होता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस, मुझे बीमा में रुचि नहीं है। ये ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है और कई बार कस्टमर या इंश्योरेंस एजेंट को टालने के लिए या उससे बचने के लिए इस बहाने का यूज़ किया जाता है। आपको समझना होगा कि दुनिया में किसी को पसंद नहीं है कि उसे कोई चीज़ बेची जाए, पर फिर भी दुनिया में रोज करोड़ों प्रोडक्ट बिकते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दो बातें अच्छे से समझनी पड़ेगी। पहली बात कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने की चीज़ खरीदते हैं। जैसे अगर हमें अपने घर में किसी सामान की ज़रूरत है तभी हम उसे खरीदेंगे, वरना हम नहीं खरीदेंगे। इसी तरीके से बीमा में भी होता है। बीमा को बेचने में भी यही प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको उनकी ज़रूरत पैदा करनी है, मतलब उन्हें एहसास दिलाना है कि उन्हें बीमा की ज़रूरत है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे आप कुछ क्वेश्चन करिए। जैसे कि आपने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या सेविंग की है, आपने अपनी बेटी की अच्छी मैरिज के लिए क्या सेविंग करी है, अपने रिटायरमेंट के बाद के खर्चों के लिए आपने क्या सेविंग करी है। यहाँ इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछकर आपने उनके मन में एक ज़रूरत का बीज बो दिया है। आप उसमें पानी देने की ज़रूरत है, आप बस पानी देते रहिए और वो एक दिन वो बीज पेड़ के रूप में बदल जाएगा। अब जिस भी क्वेश्चन पर आपको कस्टमर कंफ्यूज दिखाई दिए उसी क्वेश्चन को लेके आगे बढ़िए, उसी के बारे में बात करिए। जैसे कि आजकल मेडिकल और इंजीनियर की खर्च कितना बढ़ गया है, ऊपर से बच्चों के हॉस्टल में रहने का खाने का खर्चा भी, इतना खर्चों में आप कैसे पूरा खर्चा मैनेज करेंगे। और अगर आप एजुकेशन लोन लेने का सोच रहे हैं तो सोचिए कि अगर आप अपने रिटायरमेंट की एज में इसको चुका पाएंगे। मेरे हिसाब से तो आप ये नहीं चुका पाएंगे, और अगर आप ये नहीं चुका पाए तो आपका बेटा या बेटी जिसके अभी कमाना ही शुरू किया था उसे बहुत बड़ा कर्ज छोड़कर आप जाएंगे और आपका बच्चा आपके बारे में क्या सोचेगा। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आजकल शादी में कितना खर्चा आता है, लगभग 12 से 15 लाख, और आज से 15 से 20 साल बाद ये खर्च और 3 गुना बढ़ जाएगा और आपको 35 से 40 लाख तक की ज़रूरत होगी। आप इतना इंतज़ाम कैसे करेंगे? क्या आप लोन लेंगे? क्या सोचिए, आप आज 30 से 40 हज़ार की किस्त नहीं निकाल पा रहे हैं, आज आपके खर्च आपकी सैलरी से पूरे नहीं हो रहे हैं, तो क्या 60 साल की उम्र में आप 1 लाख या उससे ऊपर ही EMI भर सकेंगे? तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग वाली सीरीज़ में हम नेक्स्ट लेके आएंगे पार्ट 3 में, और उसमें भी और भी क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे जो कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।